नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे होवरक्राफ्ट की कार्य प्रणाली यानी वो किन सिद्धांतों की वजह से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होवरक्राफ्ट होता क्या है। होवरक्राफ्ट एक ऐसा वाहन है जिसे पानी, जमीन, यहां तक कि बर्फ पर भी चलाया जा सकता है। हालांकि इसका अधिकतर इस्तेमाल पानी पर ही होता है। इसके तीनों चीजों पर चलने के कारण इसे सबसे मुश्किल जगहों पर भी ले जाया जा सकता है। इसका निर्माण सबसे पहले 1959 में अंग्रेजों ने करा था। निर्माण के बाद इसकी तुलना एक जहाज से की गई थी क्योंकि यह पानी पर चल सकता है। इसमें पंखे लगे थे, इसीलिए इसकी तुलना एक हवाई जहाज से भी करी गई थी। इसकी अनोखी रचना के कारण इसको एक उड़ंत अस्तरी भी समझा गया था। इसके कार्य करने के सिद्धांतों को पढ़ने के लिए हम एक होवरक्राफ्ट तो नहीं बना सकते, पर हम एक छोटा मॉडल बनाएंगे यानी एक आदर्श। आइए देखते हैं मॉडल बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत होगी एक प्लास्टिक पाइप के, एक पुरानी बोतल की, थोड़े से क्ले यानी चिकनी मिट्टी की, एक पुरानी सीढ़ी की और एक बलून यानी एक गुब्बारे की। पुरानी बोतल काटकर उसे सीढ़ी पर क्ले की मदद से चिपका दीजिए। अब ढक्कन में एक छेद करके उस पर प्लास्टिक का पाइप लगा दीजिए ताकि आपका मॉडल चित्र में दिखाए मॉडल की तरह दिखाई दे। अब हम इसे टेबल यानी तालिका पर रखकर चलाकर देखते हैं। अब हम फुलाए हुए गुब्बारे को पाइप पर लगाकर देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि पिछले और इस मॉडल में क्या अंतर है। जैसा आपने देखा कि बिना गुब्बारे के ये मॉडल काफी धीमे धीमे चल रहा था, जबकि गुब्बारे को लगाते ही ये मॉडल काफी तेज चलने लगा था। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हमने देखा जब हम पहले मॉडल पर दाएं या बाएं धक्का दे रहे थे तब वह काफी धीमे चल रहा था। इसका कारण यह था कि उसपे विपरीत दिशा में घर्षण लग रहा था। तो आप यह कहेंगे कि दूसरे मॉडल पर घर्षण क्यों नहीं लगा जब हमने दूसरे मॉडल को दाएं या बाएं धक्का दिया, तब उस पर भी घर्षण लग रहा था पर उसका अनुपात काफी कम हो गया। देखते हैं इसका क्या कारण है। जब फुलाए हुए गुब्बारे को पाइप से जोड़ा जाता है तब गुब्बारे की हवा सीढ़ी और टेबल के बीच चली जाती है, जिससे एक एयर फिल्म यानी वायु फिल्म का निर्माण होता है। घर्षण होने के लिए दो सतहें आपस में घिसनी चाहिए। एयर फिल्म के होने के वजह से यह घर्षण नहीं हो पाता। इसीलिए जब गुब्बारा जोड़ा जाता है तब ये सीढ़ी पहले के मुकाबले काफी तेज चलती है। एक होवरक्राफ्ट में तीन मुख्य चीजें होती है। पहली, दिशा देने वाले पंखे। दूसरी, हवा खींचने वाले पंखे। हवा खींचने वाले पंखों का कार्य होता है वायु का बहाव बनाए रखना। और तीसरी, लचीला पल्ला, जिसके कारण खींची हुई हवा अधिक समय के लिए होवरक्राफ्ट के नीचे बनी रहे। हवा खींचने वाले पंखे वायु को अंदर खींचते हैं। इस वायु के बहाव को हम लोग गुब्बारे से निकलने वाली हवा के समान मान सकते हैं। जो हवा नीचे इकट्ठा होती है उसकी तुलना एयर फिल्म से कर सकते हैं। दिशा देने वाले पंखे होवरक्राफ्ट को दाएं या बाएं मुड़ने में मदद करते हैं।
नीचे इकट्ठी हुई हवा पावरक्राफ्ट को किसी भी सतह पर ऊपर बनाए रखती है। इस तरह से हॉवरक्राफ्ट कार्य करता है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जिस तरह हॉवरक्राफ्ट हवा के नीचे होते बहाव के वजह से सतह पर बना रहता है, इसके पीछे भी न्यूटन का तीसरा सिद्धांत लगता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हॉवरक्राफ्ट के कार्य के पीछे न्यूटन के तीसरे सिद्धांत का हाथ है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।